दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आपने जो है पहली अपडेट को आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि बैंकों में जो है कम से कम 8 साल में सरकारी बैंकों में खाली पद हुए हैं। मतलब कितने हुए हैं, कम से 1.6 लाख। मतलब क्या 1 लाख से ऊपर पदों की संख्या बढ़ चुकी है और वित्त मंत्री ने पदों को तेज़ी से भरने का दिया निर्देश। बहुत जल्द जो है बैंकों में भर्ती आ रही है, आप तैयार रहिएगा। लिखा हुआ है इसमें जो है 7.80 लाख रह गई हैं बैंकों में कर्मचारियों की संख्या, मतलब 7.5 लाख से ऊपर संख्या जो है इसमें रह चुकी है। तो आप देख सकते हैं कम से कम जो है 1 लाख जो है पद खाली हैं बैंकों में। सभी जितने भी पद हैं ग्रुप सी ग्रुप डी अधिकारियों, सभी पदों पर भर्ती जल्द आ रही है। जितनी भी पीओ की भर्तियां होती हैं, क्लर्क की होती हैं, वो सब आईबीपीएस परीक्षा में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक और पीएनबी समेत सभी बैंक इसमें शामिल होंगे आईबीपीएस के अंतर्गत। नेक्स्ट अपडेट है ये जी, बैंक से संबंधित लिखा हुआ, अनुसूचित जाति के पद पर 2 अक्टूबर से भर्ती शुरू होने जा रही है। लिखा हुआ है कि इसमें जो है सभी सरकारी बैंकों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए 2 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाएंगे, शुरू करेंगे। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जो है अध्यक्ष, इन्होंने बोला है कि जो है जो वित्त मंत्री हमारी जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा कि प्रमुख बैंकों में जो है सभी पदों पर भर्ती जल्द से जल्द की जाए अनुसूचित जाति के लिए। और आज जो है रोजगार के अवसर पर 332 इसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी से जो आबकारी विभाग में जो भर्ती हुई थी 332 पदों पर जो है उनको जो है वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे हमारे जो मुख्यमंत्री जी आदित्य योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 332 आबकारी आरक्षियों को जो है वो नौकरियों का नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और ये पत्र जो है कहाँ पर बांटा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 30 सितंबर को जो है लोक भवन सभागार लखनऊ में बांटा जाएगा और यहाँ पे जो है नितिन अग्रवाल मंत्री भी रहेंगे। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि राजस्व परिषद में भरी जाएंगी रिक्तियाँ। इसमें 5.98 करोड़ की लागत से अधिवक्ता भवन का निर्माण होगा, जल्द से आवंटित होंगे। यहाँ पर जो है स्कूलों में भी जो है और स्कूलों में भर्ती अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो है, और राजस्व जो है परिषद भरी जाएंगी सभी सीटों। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिषदीय स्कूलों में ली जाएगी रिटायर्ड शिक्षकों की सहायता। मतलब क्या, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जितने भी रिटायरमेंट शिक्षक हो रहे हैं उनको दोबारा 1 साल की संविदा पर लगा दिया जाएगा। और लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 वर्ष की संविदा पर रखे जाएंगे शिक्षक, उनको जो 2500 रुपये जो है मोबाइलिटी भत्ते पर होगी तैनाती। तो बात वही चीज़ है कि परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रिटायरमेंट शिक्षकों की मदद ली जाएगी, उन्हें जो है मेंटर बनाते हुए जो है रिटायर्ड शिक्षकों का एक जो है शिक्षक साथी समूह बनाया जाएगा, उन्हें जो 2500 रुपये जो मोबाइलिटी भत्ता भी दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महानिदेशक जो स्कूल के हैं उन्होंने आदेश कर दिया जारी। लेखपाल भर्ती के लिए खबर यह है कि इसमें जो है इसकी रिपोर्ट 15,000 शिक्षक जो इसमें भर्ती आई थी लेखपाल की, यहाँ पे इसको संगठित मामले में इनको मतलब इसकी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री जी के पास भेजी जाएगी। और साथ में उन्होंने कहा यदि हमारी रिपोर्ट नहीं मांगेगी तो हम जो 30 सितंबर में आज के दिन जो है ये वो 12 बजे पत्थर गिरजाघर पर जो इलाहाबाद में सब लोग प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है 15,000 भर्तियों में संगति ने इसको रद्द कर दिया जाए और इसको जो दोबारा इसकी परीक्षा कराई जाए, जिस तरीके से बताया गया 68,000 में धांधली हुई थी, एलटी ग्रेड में धांधली हुई थी, इस तरीके से इसमें भी जो है धांधली हुई है। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, टीजीडी, पीजीडी सभी सीटों पर जो है भ्रष्टाचार पर लिप्त हैं, इनकी उनको कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के पास उन्होंने पत्र भेजा है। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पीसीएस में अग्निवीर पर पूछा गया सवाल, चौथे पेपर में पूछा गया केस स्टडी पर आधारित प्रश्न। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है अब डीएम जो है हमीरपुर के यूपी के जो है उन्होंने बोला है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 के लिए दृष्टिगत आज सेक्टर सिस्टिक और जो स्टेटिक मजिस्ट्रेट केंद्र प्रभारी की केंद्र व्यवस्थापक की बैठक में की गई है और परीक्षा को सुचितापूर्ण पारदर्शी ढंग से जो है कराए जाने पर सहित जो है अन्य आवश्यक निर्देश दे दिए गए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है डीएम जी ने निर्देश दे दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यूपीपीपी की यह 534 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं कांस्टेबल जो स्पोर्ट कोटा के लिए जो है इसमें एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है 18 से 27 वर्ष इसमें एज लिमिट है। और यहाँ पर आवेदन की अंतिम तिथि इसमें देख सकते हैं इसमें 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म जो है भर दीजिएगा।
बीएड की काउंसलिंग में जो है 2.40 लाख सीटें जो है आज से होंगी लॉक कर दी गई हैं, इतनी जो सीटें हैं। अपनी जो नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रवक्ता जीव विज्ञान के 33 पदों का जो परिणाम घोषित कर दिया गया और एई भर्ती की परीक्षा का भी परिणाम घोषित कर दिया गया लोक सेवा आयोग से। एसएस खन्ना में बीएड प्रवेश की दूसरी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है आरईसी में करें आवेदन, 62 पदों पर जो है जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर और चीफ मैनेजर के पदों पर भर्ती आ चुकी है और ज़्यादा जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नीचे दे रखी है, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि देख सकते हैं, आवेदन कर 27 अक्टूबर तक इसमें जो आवेदन कर सकते हैं और यहाँ ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की और साथ में राज्य कर्मचारियों, लिखा हुआ है केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि के साथ केंद्र सरकार की घोषणा के साथ राज्य कर्मियों को भी जो डीएम बढ़ोतरी का लाभ मिलने जा रहा है, बड़ी उम्मीद। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपावली से पहले बोनस मिलेगा सभी को। यहाँ पर राजस्व प्राप्ति करोड़ों में जो है अगस्त 2021-22 में जो है कम से कम कितने करोड़ रुपये का इनको मुनाफा होगा, सबका जो है बोनस मिलने जा रहा है। 4% डीए बढ़ चुका है, मतलब महंगाई भत्ता बढ़ गया है। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीस वृद्धि पर बढ़ता और जो है स्थगित कर दी, मतलब वार्तालाप जो है स्थगित कर दी गई, हंगामा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बढ़ता में कई छात्र नेताओं को शामिल न किए जाने से बढ़ा गुस्सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन और साथ में छात्रों के बीच में झड़प हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो है किस तरीके से जो है मारा जा रहा है छात्रों को, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फीस वृद्धि को लेकर जो है एक गुट और दूसरे गुट में वो भी चल रही है, साथ में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया इनको। बार बार जो है मेरे पास कमेंट आ रहे थे, उसमें बताया जा रहा था कि सर ये बताइए एडेड माध्यमिक स्कूलों में जो है आप बता रहे हैं 3 अक्टूबर से विज्ञापन आएगा, पहले सितंबर में आना था, अपडेट बढ़ा दी गई है तो 3 अक्टूबर से जो भर्ती अब आ रही है, तो उसमें ये बताइए फार्म जो है हमें ऑनलाइन भरना पड़ेगा या ऑफलाइन भरना पड़ेगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है विज्ञापन आपको ऑफलाइन तरीके से भरना होगा, क्योंकि वहाँ पर विज्ञापन आपके जो है अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में निकलेंगे। अगर आप उससे भी बचना चाहते हैं तो इस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी ज़िले से विज्ञापन जारी होगा लिपिक भर्ती का या चपरासी भर्ती का, तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा पक्का, क्योंकि इसमें बताया गया है। बार बार कमेंट ना करें सर ऑनलाइन इसमें वेबसाइट पर आएगा नहीं आएगा, ऑफलाइन तरीके से विज्ञापन भरा जाएगा और किस स्कूल से कितने पद खाली है पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब रख लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।